बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखिए बिरयानी बना रही हूँ, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये चिकन है 1.5 केजी, 1.5 केजी चावल है, ये घी है, ये 4 नींबू का जूस है, वो तली हुई प्याज, कोथमीर, पुदीना, ये देखिए ये हरी मिर्ची है, टेस्टिंग पाउडर है, ये पीसी हुई हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, तलावा तेल, प्याज तलावा तेल है, देखिए 1.25 केजी दही, ये भी प्याज है देखिए तली हुई, ये देखिए गरम मसाला, लौंग 8 लौंग है, 8 इलायची है, शाहजीरा, ये देखिए ये बोले तो दालचीनी का चकला है, पूरा बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा अखनी बना रही हूँ मैं, ये राना है ना, तो इसको मैं पूरा ये मार रही हूँ, देखिए चरपटे मार रही हूँ पूरा, इसके अंदर कई को बोल को बोले तो ये जो है ना चीज़ा, तो इसके अंदर पूरा मसाला जाता है। देखिए अपन वैसे डाले तो एकदम अपने को खाए तो उतना टेस्ट नहीं दिखता ये चीज़ा चिकन के, तो अपने को जहाँ गोश इजाफा है तो ऐसा मारे तो क्या है पूरा उसके अंदर अपने को जाता है। ये राना जो रहते ना उसको पूरा नमक मिर्ची पूरा लग जाता है, देखिए नींबू है पूरा। तो मैं भी इसमें बना रही हूँ देखिए दाल के, 1.5 केजी गोश है ये, 1.5 केजी चावल, तो वो हिसाब से बिरयानी बना के बता रही हूँ मैं आपको। तो ये पूरा अपने को अखनी बना के बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा अच्छा धोली देखिए मैं चिकन को, ये 2 चमचे अच्छा मैं उसके अंदर सिरका डाल के नमक डाल के 2 घंटे रख दी थी देखिए मंगा के। तो अब नींबू डाल रही हूँ देखिए मैं इसमें, नींबू डाल के पूरा अच्छा मिला लेना, नींबू पहले कई को डालना बल्कि बोले तो चिकन अपना ज़्यादा नहीं गलता, तो पहले नींबू डालना, एक टेस्टिंग पाउडर डाल रही हूँ देखिए, तो ये इससे टेस्ट अच्छा रहता बिरयानी का, थोड़ा डालना अपन ज़्यादा नहीं डालना। तो अदरक लहसुन ये पूरे चीज़ें आप लोगों को बताई ना, तो मैं बता रही हूँ मैं इसमें क्या क्या डालना पूरा मिलाते से बोलते। ये अदरक लहसुन है देखिए पूरे मैं चीज़ें डाल के मिला के बताती हूँ। ये देखिए पूरा एक गरम मसाला है, गरम मसाला मैं पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ, जब का जब बोले तो कोसे भी चीज़ों में यही रहता। हरी मिर्ची है देखिए, हरी मिर्ची इसमें 15 हरी मिर्ची है देखिए पीस ली थी पूरा मैं, तो हरी मिर्ची ज़्यादा डाले तो अच्छा रहता उसके अंदर बिरयानी के अंदर। नमक और बोले तो हल्दी और मिर्ची ये पूरा डाल दे रही हूँ देखिए मैं आपको बताए सो, तो पूरा इसके अंदर डाल के ये कर रहे थे इतना मज़े के रहते। 2-3 हरी मिर्चियाँ तोड़ के डाल रही हूँ देखिए मैं खाली इसके अंदर, तो ज़्यादा डाले तो क्या है अपने को हरी मिर्ची पीसी भी रहती ना। ये देखिए मैं 8 बताई ना आपको, 4 मैं इलायची डाल रही हूँ, 4 लौंग डाल रही हूँ देखिए इसमें, और ये दालचीनी का थोड़ा चकला डाल रही हूँ देखिए। अब इसमें थोड़ा शाहजीरा डाल रही हूँ, तो वो बचे सो है ना अदन के अंदर में चावल का जो अदन रहता ना उसके अंदर डाल के बताती हूँ। ये देखिए ये तली हुई प्याज मैं 2 इसमें रखी थी, देखिए प्याज 2 इसमें रखे तो मैं क्या करी, ये पूरी पीसी हुई प्याज रहे तो इसमें डाल रही हूँ मैं, और एक बोले तो पूरी बिरयानी का अपन मिलाते ना जब डालते, आधा पुदीना डाल रही हूँ देखिए मैं, तो आधा पुदीना रख रही हूँ मैं दूसरे, अब ये इसमें डाल के बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं अब इसमें कोथमीर है देखिए आधी डाल रही हूँ मैं, 1-1 कट्टा है देखिए कोथमीर उसके अंदर, वो 1-1 कट्टा रहे तो क्या कर रही हूँ मैं आधा आधा डाल के बता रही हूँ मैं, अखनी में आधा डाल रही हूँ देखिए पूरा। तो ये पूरे चीज़ें रहते देखिए, दही है देखिए 1.25 केजी दही है, ये थोड़ा बता रही हूँ मैं इसके अंदर बचा के रख रही हूँ समझो। तो कई को बोल को बोले तो अपने को नींबू इजाफा हो जाता ना, ये प्याज प्याज तले सो तेल है देखिए, ऑलरेडी मेरे पास प्याज तले सो थी अंदर, वो तेल भी था, तेल कहीं को बोले तो जब मैं प्याज वह तलती हूँ ना तो उसको ठंडा होगा बाद एक बाटल में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। कहीं को बोले तो अपन लोगों को ये चीज़ों में डालने आता बल्कि मैं मिला देती नहीं उसके अंदर। देखिए बन गई मैं जो चीज़ें बताई थी ना आपको, तो वो चीज़ें पूरे डाली देखिए, अखनी बन गई मेरी। अब इसको 1 घंटा तो बाजू में रख देती हूँ देखिए अखनी को, ये पूरा मिले जाता पूरा। तो अब अदन चढ़ा रही देखिए मैं पानी का, अब ये अदन के अंदर मैं क्या क्या डालती हूँ बताती मैं आपको। तो ये देखिए पानी अपने हिसाब से डाल लेते ना अदन को, तो नमक डाल रही हूँ देखिए इसमें 1.5 चमचा नमक डाल रही हूँ। नमक तो अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, चावलों के हिसाब से उसके हिसाब से, कौन ज़्यादा खाते कौन कम खाते ना नमक। तो ये देखिए अब मैं उसमें बताई थी ना आपको गरम मसाला 8 बताई थी, देखिए 4 उसमें 4 इसमें डाली देखिए। इसमें क्या है, 4 इलायची, 4 लौंग, शाहजीरा, दालचीनी का चकला और 4 हरी मिर्चियाँ तोड़ के डाली देखिए। तो इसके अंदर थोड़ा पुदीना डालना और बोले तो थोड़ी कोथमीर डालना देखिए। कई को बोले तो ये जो अदन रहता ना तो इसमें चावलों में बहुत उठ के भी आता, एकदम बहुत अच्छा दिखता देखिए पूरा। थोड़ा घी डालना देखिए इसके अंदर, कई को बोले जो चावल रहते ना चावल को पूरा अपने को अलग अलग हो जाता चावल। ये देखिए 1/2 चमचा घी डाल रही मैं, तेल भी डाल सकते आप घी नहीं रहे तो भी। कई को बोल को डालते घी अदन में बोल के बोले तो जो चावल रहते ना खुले हो जाते एकदम, उसको पकड़ते नहीं, एक से एक कुप्पा नहीं हो जाते, हो गए देखिए चावल। कई को बोले तो चावल में बहुत अच्छा पना भी आता हो घी डाले तो।
तो आदत होगा अम्मा चावल दाल में। देखिए धो के मैं चावल भी 2 घंटे पहले रख दी थी, मैं जब अखनी बनाई थी ना मैं तो चावल पहले धो के रखे, तो क्या है बिरयानी के चावल बहुत अच्छे भीग के अच्छा रहता है। 1-2 घंटे पहले भिगा लेना ये चीज़, हाँ अखनी भी 2 घंटे पहले बना लेके रख लेना समझो, तो अच्छा रहता है। जब का जब अपन बनाए करे तो उतना टेस्ट समझ में नहीं आता, गर्मा गर्मी में अपन चावल चढ़ा दिए अखनी बना दिए बोले तो जल्दबाजी में बिरयानी उतनी टेस्ट नहीं दिखती। मैं बना के देखी, वैसा भी अब कौन भी अचानक है तो अपन बनाते ना तो उतना समझ में नहीं आता अपने को जब का जब। तो अपन बिरयानी बनाने के बाद हम सोचते ना सुबह में ऐसा बनेंगे बोल के सोचते, तो क्या है पहले का पहले जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ों को अपन बना के रख लिए उसमें पूरा तो अच्छा रहता है। देखिए मैं चावल हो गए मेरे, चावल निथार रही हूँ देखिए पूरा, अब इसमें डालते सो बता रही मैं आपको पूरा। ये देखिए अखनी कम से कम ये 1.5 घंटा होगा, देखिए अखनी बना के ये 1.5 घंटा 2 घंटों के करीब हो गए। चावल भी 2 घंटे पहले भिगा दी थी मैं, अब इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए घी डाले बाद चावल देखिए कितना खुला खुला होता, नरम भी होगा ना चावल बिरयानी का तो खुला छोता है। देखिए अपन वो घी नहीं डाले उसमें, तेल नहीं डाले तो एकदम उसको बिरयानी को पकड़ लेता वो। ये देखे तो चालू होता ना, मैं भी देखी थी 3-4 जगह तो इसलिए वो हिसाब से मैं जब से डालना चालू करी 6-7 साल पहले से चू तो ऐसा अच्छा रहता बोल के। ये देखिए पूरा डाल ली देखिए मैं, ये 2 इसमें बताई थी देखिए आपको प्याज में 2 कटोरों में बताई थी ना, तो 1 कटोरे में मखनी में डाली, 1 कटोरी की प्याज इसमें मिलाने के आसन रखी। देखिए ये देखिए मैं अब उसके अंदर मैं आपको पुदीना कोतमीर बताई थी देखिए आधा आधा बचाई थी ना मैं, तो इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए ये पूरा ऊपर की चीज़ें हैं ये पूरे, तो आपने को अलग अलग बताई मैं कहीं को बोले तो थोड़े चीज़ें आपने खुला खुला बता रही हैं आपको, कहीं को बोले तो मालूम होना बोल के। बहुत जनों को बिरयानी का समझ में भी नहीं आता। ये घी डाल रही हूँ देखिए, घी डालने से कहीं को बोले तो बहुत अच्छी रहती बिरयानी। ऊपर डालना घी 1-2 चमचे असली घी डालना समझो, तो उसमें इतना अच्छा रहता खाने के वास्तन सौंधा पना रहता, अपने को होटल से भी ज़बरदस्त दिखती बिरयानी। तो ये देखिए मैं 2 चमचे में क्या करी 3 जगह डाली देखिए एडजस्ट करके 2 चमचे घी में, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से अपने को कौन घी खाते नहीं खाते उसमें समझ में नहीं आता, हमारी अम्मी तो घी खाते ही नहीं, जरूरी भी नहीं खाते, हमारी अम्मी को मालूम भी नहीं होता मैं घी डाले से उसके अंदर थोड़ा डालती हूँ घी, उन्होंने घी डाले बोले तो नहीं खाते हमारी अम्मी। तो ये कलर डाली देखिए इसके अंदर, लाल कलर डाली थोड़ा डाली मैं, इससे पहले फराना कुकिंग चैनल पर है देखिए मेरी बिरयानी, ये दूसरी बार बनाई से हूँ मैं, अब हो गई देखिए मेरे को, ये दम देती हूँ मैं। ये कम से कम 1/2 घंटा रखी देखिए इसको टेस्ट पे, मैं 5 मिनट रख के क्या करी कच्चा गोश्त रहता ना ये, उसके बाद क्या करी 5 मिनट इसको धीमे पे रखी देखिए, पूरे 10 मिनट में बिरयानी पूरी हो गई देखिए मेरी। ये देखिए कितनी खुली खुली आपको निकाल के बताती हूँ देखिए पूरी, अभी ये जो है ना मैं नीचे से पूरा निकाल के बताती हूँ। ये देखिए चावल को चावल नहीं लग रहा देखिए ज़र्रा भी, पूरा आप देख रहे ना बिरयानी का। अपन अगर ये करे तो उसमें क्या होता पूरा अपने हिसाब से अपन जैसा बने वैसा बना दिए ना तो बिरयानी पूरा कुप्पा हो जाती, तो ये मेरे हिसाब से अगर आप बनाए तो इतनी ज़बरदस्त रहती है। बना के देखिए आप लोग, अभी नीचे से निकाल के बता रही हूँ देखिए आपको, ऐसा नहीं है मैं निकाल के प्लेट में आपको बताई बोला सर का नहीं है, भगोने के अंदर से निकाल के बता रही हूँ देखिए पूरा आपको। ये देखिए चिकन जो है ना मैं नींबू डाली ना चिकन को, तो ये देखिए कुप्पा भी नहीं हुआ देखिए, चिकन पूरा साफ आ रहा है देखिए, देखिए पूरे बोटी आए देखिए, तो नीचे से ली देखिए मैं तो बोटी में जर्रा भी वो उसका गोश्त जर्रा भी हला नहीं, मर ज़बरदस्त होती देखिए कितनी मस्त दिख रही देखिए, खा लेना दिल बोल रहा एकदम, अपन बड़ी होटल में खाते ना वैसा दिख रहा देखिए। लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए।